अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह जो विधायक लगातार बनते रहे, निर्दलीय भी जीत कर आते थे, जदयू से भी जीते, राजद से भी जीते, अनंत सिंह, जिस अनंत सिंह की तूती पटना और आसपास के इलाके में बोलती थी, अनंत सिंह मोकामा के बाहुबली थे। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह भी एक जमाने में मोकामा के बेताज बादशाह थे और विधायक थे। अनंत सिंह के किस्से, कई किस्से हैं, हत्या, मर्डर, लूट, अपहरण, तरह तरह के मुकदमे उन पर हुए। हथियार रखने के भी शौकीन थे अनंत सिंह। अनंत सिंह को 10 साल की सजा हो गई AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के मामले में। फिर अनंत सिंह को 10 साल की सजा हुई फुटू हत्याकांड मामले में, बरामद हुए बुलेट प्रूफ जैकेट और मैगजीन के कारण 10-10 साल की सजा हो गई। अब उनकी विधायकी भी चली गई, क्योंकि 2 साल से अधिक की सजा होने पर यह नियम है कि विधायकी चली जाती है। अब मोकामा का लड़ाई आर पार की लड़ाई हो गई है। मोकामा में अब विधायक बने तो कौन बने। एक और जहां अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा के चुनाव में ताल ठोक रही है और यह कह रही है कि राजद के तेजस्वी यादव ने सिग्नल दे दिया और जंग जबरदस्त होगी। अब अनंत सिंह और बड़े भाई दिलीप सिंह के मोकामा को बचाने के लिए नीलम देवी चुनौती स्वीकार कर रही है, मैदाने जंग में लड़ने के लिए तैयार है। वहीं दूसरे विरोधी दल के नेताओं में भी सुगबुगाहट है कि अनंत सिंह अब लंबे जेल में चले गए, सजा हो गई, चुनाव होगी, उनकी संतुलन को बिगाड़ देना है और ध्वस्त कर देना है। विरोधी अपने ओर लोगों को मोटिवेट करने में लगी हुई है और नीलम सिंह ताल ठोक चुकी है कि पति के सीट पर मैं खुद राजद के उम्मीदवार के रूप में लड़ूंगा। अब देखना यह होगा कि मोकामा, जहां खूनी खूनी खेल हमेशा होती रही, अब मोकामा में वर्चस्व की लड़ाई में सैकड़ों की जान चली गई। अब नीलम देवी क्या अनंत सिंह और दिलीप सिंह के धरोहर को बचा पाएगी? क्या नीलम देवी अनंत सिंह के सजा मिल जाने के बाद वो डर और वो दहशत पैदा कर पाएगी? क्या अब नीलम देवी को जनता वोट देगी? क्या नीलम देवी अनंत सिंह के नाम पर जीत पाएगी? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन अब तक यह कहा जा सकता है कि अनंत सिंह के लंबे जेल चले जाने के कारण जितने भी विरोधी थे उन लोगों ने सर उठाना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन वक्त रहते ही पता चलेगा कि उपचुनाव में मोकामा में कौन बाजी मार सकता है, नीलम देवी या अन्य। वक्त रहते ही पता चल पाएगा। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24, मैं विवेक का। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।